हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अ टैक्सी ड्राइवर। ये कहानी है एक पिता और बेटी के प्यार की, एक इंसान की इंसानों के प्रति इंसानियत की और कुछ ऐसी सच्चाइयों की जिसे किसी भी देश की सरकार दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहती। कहानी शुरू होती है सन 1980 से, जहां पर एक टैक्सी ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसका नाम किम है। किम रात को घर वापस आता है। दरअसल वो एक किराए के घर पर रहता है और उसका इस दुनिया में उसकी बेटी के अलावा कोई भी नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी गुजर चुकी है। और जब वो घर आने के बाद अपनी बेटी को देखता है तो उसके सिर पर एक घाव का निशान होता है और वो समझ जाता है कि मकान मालिक के बेटे ने उसे मारा है। वो गुस्से से उनके घर जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, वहां पर जो उसकी ओनर होती है वो कहती है कि तुम्हें अपनी बेटी को कुछ सिखाना चाहिए, देखो उसने मेरे बेटे का क्या हाल किया है। दरअसल उसके बेटे को भी किम की बेटी ने बहुत बुरी तरह से मारा होता है और इसके बाद वो बोलती है कि तुमने पिछले 4 महीनों से किराया नहीं दिया और तुम्हारा किराया अभी 20,000 रुपए ड्यू है। इस बात से किम परेशान हो जाता है। वो उन्हें सॉरी कहता और वापस अपने कमरे में आ जाता है, लेकिन वो अपनी बेटी को अपनी परेशानी नहीं दिखाता क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। और जब उसकी बेटी सो जाती है तो वो रेडियो पर सुनता है कि साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लग चुका है। दरअसल साउथ कोरिया में आजकल दंगे चल रहे होते हैं, इसीलिए यहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया गया है। मार्शल लॉ का मतलब ये होता है कि पूरे देश को अब पुलिस या पॉलिटिशियन नहीं बल्कि आर्मी कंट्रोल करेगी। और ऐसे माहौल में लोग बहुत कम घर से बाहर निकलते हैं क्योंकि किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। और किम इस बात से परेशान हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि कल से उसकी आमदनी और भी कम हो जाएगी। अब अगले दिन किम जब एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है तभी वो दूसरे टेबल पर बैठे कुछ टैक्सी ड्राइवर्स की बातें सुनता है। उनमें एक टैक्सी ड्राइवर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि आज मुझे खास सवारी मिली है जिसे मुझे गोंगजू शहर ले जाकर वापस लाना है और बदले में मुझे 20,000 रुपए मिलेंगे। उसके दोस्त पूछते हैं कि कौन है। वो बताता है कि एक फॉरनर है। उसके दोस्त पूछते हैं कि तुम उसकी भाषा जानते हो। वो बताता है कि मैं US मिलिट्री कैंप के आसपास पला बड़ा हूं, इसीलिए मैं उनकी भाषा समझ भी सकता हूं और उन्हें समझा भी सकता हूं। बस मैं खाना खाऊंगा और सीधा थिएटर जाऊंगा जहां से मुझे उस सवारी को रिसीव करना है। दूर बैठा किम ये सब कुछ सुन रहा होता है। किम को अगर ये सवारी मिल गई तो उसके घर का रेंट जो कि 20,000 4 महीने का बाकी है वो पूरा का पूरा एक बार में चुकता हो जाएगा। इसीलिए किम उस टैक्सी ड्राइवर से पहले खुद वहां पर पहुंच जाता है। थिएटर के बाहर पहुंचने के बाद वो अपनी सवारी को पहचान लेता है क्योंकि वहां पर एक ही फॉरनर होता है। इसका नाम पीटर होता है। वैसे तो ये एक जर्मन है लेकिन पिछले 8 सालों से एक रिपोर्टर के तौर पर ये जापान में काम कर रहा है और जापान में से पता चला था कि साउथ कोरिया में स्टूडेंट्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला है, इसीलिए यहां पर ये इस रिपोर्ट को कवर करने के लिए आया। क्योंकि उसे ये भी बताया जाता है कि इस खबर को पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है और अब पीटर इस खबर को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता है। पीटर के साथ साउथ कोरिया का एक रिपोर्टर भी होता है और उसी रिपोर्टर ने उसे बताया होता है कि जो खबर उसे चाहिए वो उसे यहाँ नहीं बल्कि गोंगजू में मिलेगी और इसीलिए पीटर गोंगजू जा रहा होता है। यहाँ पर किम अपनी टैक्सी लेकर पहुंच जाता है। पीटर के साथ जो यहाँ का साउथ कोरिया का रिपोर्टर है वो टैक्सी देखकर बोलता है कि मैंने प्राइवेट टैक्सी मंगाई थी और तुम्हारी टैक्सी प्राइवेट नहीं है। किम उन्हें झूठ बोल देता है कि प्राइवेट टैक्सी सारी बिजी थी इसीलिए मुझे भेजा गया है। पीटर अपने दोस्त साउथ कोरिया के रिपोर्टर से पूछता है क्या समझ पाएगा जो मैं कहूंगा, क्योंकि उसे साउथ कोरियन नहीं आती, वो सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है। उसका दोस्त कहता है कि हाँ, मैंने टैक्सी कंपनी को सब कुछ बता दिया था। और वो किम से पूछता है क्या तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है। किम वहां पर टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है और वो अपने साथ पीटर को टैक्सी में बिठाकर वहां से निकल जाता है। और अगले पल यहां पर वो टैक्सी वाला आता है जिसे सच में बुक किया गया था, पर अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि किम पैसेंजर को लेकर उड़ चुका है। किम रास्ते में पीटर को बताता है कि वो पहले सऊदी अरब में टैक्सी चलाता था और वहां से पैसे कमाकर वो यहां आया और उसने टैक्सी खरीदी। पीटर भी इंग्लिश में उससे बात करता है लेकिन किम को कुछ भी समझ नहीं आता। किम कहता है कि अगर आपको मुझसे बात करनी तो आपको धीरे धीरे बोलना पड़ेगा। और पीटर समझ जाता है कि इसे इंग्लिश बहुत कम आती है। ये दोनों के दोनों गोंगजू के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं जहां पर बैरियर्स लगे होते हैं, लिखा होता है क्लोज्ड, यानी कि यहां से आगे जाना मना है। पीटर अपने बैग से कैमरा निकालकर ये सब रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। किम को नहीं पता कि वो रिपोर्टर है। पीटर किम को कहता है कि आगे चलते रहो, रुको मत। और किम अपनी टैक्सी को बैरियर क्रॉस करके आगे निकल जाता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वो देखते हैं कि वहां पर आर्मी की एक टुकड़ी होती है। पीटर उसे इंग्लिश में बोलता है कि मत बताना कि मैं रिपोर्टर हूं, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि पीटर ने क्या बोला है। आर्मी का एक सिपाही किम के पास आता, वो कहता है तुमने रास्ते में बैरियर्स नहीं देखे, तुम यहां तक कैसे पहुंच गए। किम कहता है कि मेरे पास एक पैसेंजर है, इसे गोंगजू जाना है।
आर्मी का सिपाही कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो, तुम्हें यहीं से वापस लौटना होगा। और किम अपनी टैक्सी को वहां से वापस घुमा लेता है। और जब वो कुछ दूर पहुंचते तो पीटर उससे पूछता है, क्या रास्ता भी गोंगजू जाता है? किम कहता है कि हम गोंगजू नहीं जा सकते क्योंकि आर्मी ने रास्ता बंद किया हुआ है, हम वापस सियोल जा रहे हैं जहां से हम आए थे। पीटर उसे कहता है कि अगर तुम गोंगजू मुझे नहीं ले गए तो मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। किम पीटर से पूछता है कि तुम्हारे पास ये कैमरा कैसा है, तुम गोंगजू क्यों जाना चाहते हो? पीटर इस बात से इरिटेट हो जाता है, वो कहता है तुम सिर्फ मुझे गोंगजू पहुंचा दो, व्हाट आई एम डूइंग देयर इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और इस पूरी लाइन में किम को सिर्फ एक ही वर्ड समझ आता है और वो होता है बिजनेस। वो कहता है, क्या तुम बिजनेसमैन हो? पीटर को इस बात पर हंसी आती है, वो कहता है हाँ मैं बिजनेसमैन हूँ। और अब किम यहां से थोड़ा सा आगे जाकर एक किसान से पूछता है कि मुझे गोंगजू जाना है, क्या गोंगजू जाने का कोई दूसरा रास्ता है? वो किसान बताता है कि हाँ पहाड़ों से एक कच्चा रास्ता गोंगजू जाता है, तुम वहां से जा सकते हो। और किम पीटर को उसी रास्ते से लेकर गोंगजू की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन उसकी किस्मत एक बार फिर उसका साथ नहीं देती। कुछ ही दूर जाने के बाद वहां पर एक और चेक पोस्ट होती है जहां पर आर्मी खड़ी होती है। किम अपने मनी मन में कहता है कि शायद ये लोग मुझे पैसे नहीं कमाने देंगे। वो टैक्सी से उतरकर आर्मी ऑफिसर से बात करता है। वो कहता है, मेरे साथ एक अमेरिकन बिजनेसमैन है जिसे मैं अभी एयरपोर्ट से लेकर आ रहा हूँ। ये एयरपोर्ट से अपने देश वापस जा रहा था लेकिन ये अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स गोंगजू शहर में भूल गया, और अगर इसे वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले तो ये कभी भी अमेरिका नहीं जा सकेगा और हमें इसे वापस इसके देश भेजना होगा, इसलिए मुझे गोंगजू जाना बहुत जरूरी है। वो आर्मी ऑफिसर कंफ्यूज हो जाता है पर वो फाइनली इन्हें आगे जाने की परमिशन दे देता है और साथ ही साथ इन्हें यह भी बताता है कि वहां पर दंगे चल रहे हैं, तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा। किम ये सुनकर हैरान होता है लेकिन फिलहाल वो यहां से आगे बढ़ जाता है। और कुछ ही दूर जाने के बाद वो टैक्सी रोककर पीटर से कहता है कि अब तुम्हें पैसे देने होंगे नहीं तो मैं यहां से आगे नहीं बढ़ूंगा। पीटर उसे आधे पैसे देता है और कहता है कि आधे पैसे वापस जाने के बाद, यानी कि जब तुम वापस मुझे सियोल छोड़ दोगे। किम को भी उसकी बात माननी पड़ती है और ये दोनों के दोनों अब गोंगजू शहर में पहुंच चुके हैं जहां पर चारों तरफ सन्नाटा है। और तभी एक ट्रक इनकी गाड़ी के आगे रुकता है जिसमें बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। पीटर इन्हें देखकर अपना कैमरा निकालता है और इन्हें शूट करना शुरू कर देता है। और किम को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि ये बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक रिपोर्टर है। कॉलेज स्टूडेंट को पता चलता है कि एक रिपोर्टर है तो वो खुश हो जाते हैं। दरअसल ये भी चाहते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा है उसके बारे में दुनिया को पता चल सके। यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम ब्रूस होता है, जिसे इंग्लिश आती है, और वो पीटर से बात करना शुरू करता है। ब्रूस पीटर को बताता है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं जहां पर जख्मी है। पीटर कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? वो कहते हैं कि हाँ, और पीटर भी उनके साथ उनके ट्रक में चढ़ जाता है। किम भी अपनी कार से उनके पीछे जा रहा होता है लेकिन जैसे उसे मौका मिलता है वो वहां से निकल जाता है क्योंकि वो इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता, वो वापस घर जाना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो शहर से बाहर निकलता उसे एक लाचार बूढ़ी औरत दिखती है जो हॉस्पिटल जाना चाहती है क्योंकि उसका बेटा कल रात से गायब है और इसीलिए किम को उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। और जिस हॉस्पिटल में वो जाता है पीटर और वो सारे स्टूडेंट्स भी वहीं पर होते हैं। दरअसल वो सब उसी को ढूंढ रहे थे क्योंकि पीटर का एक बैग उसकी गाड़ी के पीछे अभी भी था जिसके बारे में किम को कुछ भी नहीं पता था और वो सोचते हैं कि किम उस बैग को लेकर जा रहा था। किम पीटर को अपनी टैक्सी तक ले जाता और उसका बैग उसे वापस कर देता है। पीटर भी उसका बाकी बचा हुआ फेयर जो कि 10,000 और होता है वो उसे दे देता है। ये देखकर वहां पर सारे स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि गोंगजू तक आने के ये पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। उन्हीं में से एक स्टूडेंट उसके हाथ से पैसे छीनकर पीटर को वापस दे देता है और अब वो उसकी लाइसेंस प्लेट भी निकाल रहे होते हैं। किम इस बात से गुस्सा हो जाता है और जो 10,000 उसने पहले उससे लिए थे वो भी वो पीटर को वापस कर देता है और कहता है कि जब मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं तब तुम मुझे पैसे दे देना। और अब ये दोनों यहां से निकल जाते हैं लेकिन इनके साथ अब ब्रूस भी होता है क्योंकि ब्रूस को इंग्लिश आती है। पीटर ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा था ताकि वो टैक्सी ड्राइवर यानी कि किम और उसके बीच में एक ब्रिज का यानी कि ट्रांसलेटर का काम कर सके। और जब ये वापस जा रहे होते हैं तब ये देखते हैं कि शहर में एक जगह बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं, ये सब के सब प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। और जब ब्रूस सबको बताता है कि मेरे साथ एक फॉरनर रिपोर्टर है जो हमारी बात को दुनिया तक पहुंचाना चाहता है तो सब के सब बहुत खुश होते हैं, सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। पीटर इन सबको एक साथ शूट करना चाहता है इसीलिए वो पास की एक बिल्डिंग की छत पर जाता है जहां पर पहले से यहीं का एक लोकल रिपोर्टर होता है। और जब ये दोनों के दोनों ऊपर से शूट कर रहे होते हैं तभी यहां पर आर्मी आ जाती है और वो अंधाधुन मासूम लोगों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। और ये देखकर किम पूरी तरह से
हैरान हो जाता है। दरअसल न्यूज में जो भी खबरें दिखाई जा रही थी वो सब झूठ थी। न्यूज में ये बताया जा रहा होता है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स बिना बात के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार उन्हें मना भी कर रही है लेकिन वो मान नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर हकीकत कुछ और ही होती है। और पीटर और जो लोकल रिपोर्टर होते हैं वो नीचे जाकर शूट करना चाहते हैं, हालांकि किम उन्हें मना भी करता है लेकिन वो नीचे चले जाते हैं। किम को भी नीचे जाना पड़ता है। पीटर जब वहां पर सबको शूट कर रहा होता है तभी वहां पर एक आर्मी ऑफिसर उसे देख लेता है। लेकिन इससे पहले कि ये इन सब को पकड़ते, सब के सब टैक्सी में बैठकर यहां से निकल जाते हैं। किम और पीटर अब वापस जाना चाहते हैं, इसीलिए ब्रूस टैक्सी से उतर जाता है। और जैसी टैक्सी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं टैक्सी खराब हो जाती है। तभी यहां पर एक लोकल टैक्सी आती है और ये टैक्सी वाला इन्हें अपने साथ ले जाता है। और वो किम को बताता है कि तुम्हारी टैक्सी ठीक होने में अभी 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। और ब्रूस भी अब एक बार फिर से इनके साथ है। पर अब किम यहाँ पर बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी 11 साल की बेटी घर पर अकेली है और वो किसी भी कीमत पर वापस पहुंचना चाहता है, लेकिन उसे टैक्सी ठीक होने का इंतजार करना होगा। और जब ये तीनों की तीनों उस टैक्सी ड्राइवर के घर पर होते हैं तभी इन्हें एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। दरअसल यहाँ के लोकल लोगों ने टेलीविजन स्टेशन को उड़ा दिया होता है क्योंकि टीवी पर सभी न्यूज झूठी दिखाई जा रही होती है। और अब ये तीनों के तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। और जब पीटर वहां पर शूट कर रहा होता है तो वहां पर डिफेंस सिक्योरिटी कमांड जो पहले से इन तीनों को ढूंढ रहा था वो इन्हें देख लेता है। ये तीनों के तीनों भागकर एक बिल्डिंग में चले जाते हैं, लेकिन वो ऑफिसर ब्रूस को पकड़ लेता है और किम और पीटर ऊपर छुपे होते हैं। उस ऑफिसर को पता है कि ये उसे सुन सकते हैं और वो इन दोनों को वार्निंग देता है कि अगर मुझे कैमरा वापस नहीं दिया गया तो मैं इसे मार दूंगा। ब्रूस उस ऑफिसर से कहता है कि मैं रिपोर्टर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं ताकि वो तुम्हें कैमरा दे दे। ब्रूस को पता है कि इस ऑफिसर को इंग्लिश नहीं आती और वो इंग्लिश में पीटर को कहता है कि ये कैमरा इन्हें वापस मत देना, इसमें तुमने जो भी रिकॉर्ड किया है, यहाँ का जो भी सच है वो दुनिया के सामने लाना। और तभी ब्रूस देखता है कि आर्मी वाले उसी तरफ जा रहे होते हैं जहां पर वो दोनों छुपे हैं और वो उन दोनों को भागने के लिए कहता है। किम और पीटर वहां से भागना शुरू करते हैं और तभी उन्हें गोली की आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाते हैं कि उस ऑफिसर ने ब्रूस को मार दिया। अब ये दोनों भागते भागते अलग हो जाते हैं और वो ऑफिसर किम को पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो उसे मारता पीछे से पीटर उसके सिर पर हमला करता है और इस तरह से वो किम को बचाकर अपने साथ यहाँ से ले जाता है। ये दोनों वापस उसी घर में आ जाते हैं जो यहाँ के लोकल टैक्सी ड्राइवर का है और किम पीटर को सब कुछ बताता है कि कैसे उसने पैसा कमाया, कैसे उसकी पत्नी बीमार हो गई और उसका सारा पैसा उसके इलाज में चला गया। और जब उसकी पत्नी को एहसास हुआ कि उसके बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है तो उसने किम को टैक्सी खरीदने के लिए कहा और अब किम के पास उसकी बेटी है जो उसकी दुनिया है और वो किसी भी कीमत पर उस तक पहुंचना चाहता है। इसीलिए अगली सुबह किम यहाँ से निकल जाता है। हालांकि पीटर उसे देख रहा होता है लेकिन वो उसे नहीं रोकना चाहता। और किम जब यहाँ से अपने शहर जाने के लिए निकल रहा होता है तो जिस टैक्सी ड्राइवर का ये घर होता है वो उसे इसी शहर यानी कि गोंगजू की नंबर प्लेट देता है ताकि उसे कोई ना पहचाने क्योंकि उसे कोरियन आर्मी ढूंढ रही होती है। और अब वो अपने शहर के लिए निकल जाता है लेकिन जब वो कुछ ही दूर पहुंचा होता है तो उसे एहसास होता है कि उसे पीटर को छोड़कर नहीं आना चाहिए था और वो अपनी टैक्सी वापस घुमा लेता है। पर जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि पीटर वहां पर नहीं होता। उसे बताया जाता है कि वो हॉस्पिटल में है और किम भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और जब वो हॉस्पिटल में लोगों की हालत देखता है तो उसे एहसास ही नहीं होता क्योंकि उन्हीं की देश की आर्मी उन्हीं के लोगों को मार रही होती है। और यहाँ पर पीटर भी पूरी तरह से सदमे में होता है क्योंकि उसे भी यहाँ पर एहसास हो रहा होता है कि इंसानियत इस दुनिया से खत्म हो चुकी है। किम पीटर को कहता है कि तुम्हें वो काम करना होगा जिसके लिए तुम यहाँ पर आए थे, तुम्हें पूरी दुनिया को बताना होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और ये दोनों हॉस्पिटल से निकल जाते हैं लेकिन बाहर अभी भी खून खराबा चल रहा होता है। आर्मी वाले आम लोगों को बेरहमी से मार रहे होते हैं, सड़क पर बहुत सारे लोग जख्मी पड़े होते हैं और जो भी उन्हें लेने जा रहा होता है आर्मी वाले उसे गोली मार रहे होते हैं। इसीलिए किम और उसके साथ के जितने भी टैक्सी वाले होते हैं जो यहाँ के लोकल टैक्सी वाले हैं वो अपनी टैक्सी से वहां पर एक बैरियर बना देते हैं ताकि जख्मी लोगों को उठा सके। लेकिन आर्मी वाले लगातार उस तरफ गोलियां चला रहे होते हैं इसलिए ये भी वहां पर फंस जाते हैं। और तभी दो आदमी वहां पर बड़े बड़े ट्रक लेकर आते हैं और इससे इन्हें यहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। पीटर भी किम के पास आ जाता है और ये दोनों टैक्सी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। पर शहर से निकलने के लिए इन्हें चेक पोस्ट क्रॉस करना होगा और जब ये चेक पोस्ट पर पहुंचते तो इन्हें आर्मी वाले रोक लेते हैं। और जब एक जवान इनकी गाड़ी की डिक्की चेक करता है तो वो देखता है कि वहां पर सियोल की नंबर प्लेट होती है लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वो इन्हें जाने की परमिशन दे देता है। दरअसल इन्हें खास ऑर्डर होते हैं कि सियोल की किसी भी गाड़ी को यहाँ से क्रॉस ना करने दिया जाए। पर वो आर्मी मैन
जानता है कि यहाँ पर जो कुछ चल रहा है वो गलत है। अब इससे पहले कि यहाँ से टैक्सी लेकर निकलते, आर्मी वालों को रेडियो पर मैसेज आता है कि किसी भी फॉरनर को बॉर्डर क्रॉस ना करने दिया जाए। पर इससे पहले कि ये इन्हें रोक दे, किम टैक्सी लेकर यहाँ से निकल जाता है और इसके बाद बहुत सारी आर्मी की गाड़ियां इनका पीछा करना शुरू कर देती है। वो इन्हें मारना चाहती है, पर वहां पर बहुत सारे लोकल टैक्सी ड्राइवर्स आ जाते हैं जो इन सब की रक्षा करते हैं। वो आर्मी की गाड़ियों को रोक लेते हैं और किम और पीटर यहाँ से दोनों के दोनों सियोल के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही घंटों बाद ये एयरपोर्ट के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां पर ये दोनों के दोनों इनके पास जितने भी रिकॉर्डेड फुटेज होती है उन सारी रील्स को एक कुकीज के डिब्बे के अंदर छुपा देते हैं। और इसके बाद पीटर किम को उसका नाम और नंबर एक पेपर पर लिखने के लिए कहता है। वो कहते हैं कि मैं यहाँ से सीधा जापान जाऊंगा और एक बार जब यहाँ का सारा सच न्यूज चैनल्स पर टेलीकास्ट हो जाएगा तो मैं वापस तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। मुझे तुम्हारी टैक्सी की मरम्मत भी करवानी है। दरअसल उसकी टैक्सी पूरी तरह से डैमेज हो गई होती है। किम पहले तो अपना नाम और नंबर उसे पेपर पर लिख कर देने के लिए हेजिटेट होता है, लेकिन बाद में उसे लिख कर दे देता है। अब पीटर अंदर जाता है, हालांकि उसकी कल सुबह की फ्लाइट है, लेकिन वो जापान जाने वाली पहली फ्लाइट की टिकट करवा लेता है और वापस किम के पास आता है, उसे गले से लगाता है। वो कहता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत बहादुर भी, तुमने अच्छा काम किया। किम उसे कहता है कि तुमने भी अच्छा काम किया और अगली बार जब भी कोरिया आओ तो कोरियन भाषा सीख कर आना। ये बात सुनकर पीटर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो यहाँ से जापान के लिए निकल जाता है। हालांकि यहाँ की जो आर्मी होती है उन्होंने लिस्ट में उसका नाम देख लिया था कि वो कल सुबह की फ्लाइट से जापान जा रहा है, वो उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चला कि पीटर उससे पहले रात को ही फ्लाइट से निकल चुका है। वहीं किम भी अपने घर पर आ जाता है जहाँ पर उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही होती है और वो अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेता है। पीटर के जापान पहुंचने के बाद कोरिया के जो भी सही हालात थे वो दुनिया के सामने आ गए और दुनिया को पता चल गया कि कोरिया में जो कुछ हो रहा है वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है और इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से यहाँ की सरकार को अब मार्शल लॉ को हटाना पड़ा और यहाँ के जो भी हालात थे वो पूरी तरह से सामान्य हो गए। कुछ महीनों के बाद पीटर कोरिया वापस लौटता है और वो किम को ढूंढने की कोशिश करता है। वो उस नंबर पर कॉल भी करता है, लेकिन उसने जो नाम और नंबर दिया था वो गलत था, इसीलिए वो उससे मिल नहीं पाता। पीटर को सन 2003 में 23 साल बाद कोरिया बुलाया जाता है उसके सम्मान के लिए, क्योंकि उसने कोरिया के लिए जो किया था उसे कोरिया कभी नहीं बुला सकता। और जब वो अपनी स्पीच देता है तो वो उसमें किम की बहुत तारीफ करता है। वो कहता है कि अगर किम नहीं होता तो मैं काम कभी भी नहीं कर पाता। वो एक बहुत बहादुर था और मेरा एक अच्छा दोस्त था। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता और उसे आज भी मिस करता हूँ। काश कि मैं कभी उससे मिल पाता। वहीं दूसरी जगह दिखाया जाता है कि किम आज भी टैक्सी चलाता है और वो न्यूज़पेपर में उसकी पूरी स्पीच को पढ़ता है जिसमें उसने किम की बहुत तारीफ की होती है और उसमें ये भी लिखा होता है कि मैं किम से मिलना चाहता हूँ। किम उसकी ये न्यूज़ पढ़ लेता और वो कहता है कि मैं भी तुमसे किसी दिन मिलना चाहूंगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सन 2016 में पीटर की मृत्यु हो जाती है और ये फिल्म रिलीज हुई थी सन 2017 में। और इस फिल्म के रिलीज होने के बाद पता चलता है कि किम का एक बेटा भी था और वो दुनिया को बताता है कि किम की इस घटना के ठीक 4 साल बाद यानी कि सन 1984 में कैंसर से मृत्यु हो गई थी। इस फिल्म के क्लाइमेक्स में किम को इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि किम की मृत्यु का सच इस फिल्म के रिलीज होने के बाद पता चला। अगर डायरेक्टर और राइटर को पहले पता होता तो शायद वो इस फिल्म का क्लाइमेक्स कुछ और तरीके से दिखाते। तो ये थी साउथ कोरिया की एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म टैक्सी ड्राइवर। दरअसल 1979 में कोरिया के राष्ट्रपति की हत्या हो गई थी और उसके बाद वहां की सरकार संभालने वाला कोई भी नहीं था, इसीलिए वहां की जो आर्मी थी वो पूरे देश को अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी। वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया गया जिसका लोगों ने विरोध किया, जिसके चलते आम लोगों को मारा गया, उन पर अत्याचार किया गया। लेकिन किम, पीटर और कई लोगों की बहादुरी ने उस तानाशाही को उस वक्त में पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म अ टैक्सी ड्राइवर की। ये फिल्म सन 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.9। इस फिल्म का बजट था $13.8 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $88.7 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि इतिहास की सच्ची घटना आपको पसंद आई होगी।